हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मैं आज बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ आपको कि ज़िंदगी में जो परेशानियाँ और जो दिक्कतें और जो टेंशन, जो जिम्मेदारियां हैं, गाइस हम लोगों तो नींद आती नहीं है, लेकिन जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि चैन की नींद किसको लग रही है आजकल, तो आप देख सकते हैं चैन की नींद सोने वाले यही लोग हैं। न इनकी ऊपर कोई जिम्मेदारी है, ना कोई काम है, ये देख सकते हैं। काश हम लोगों की जिंदगी ऐसी होती ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई काम, बस खाओ पियो, दूसरे के भरोसे रहो, आराम से नींद सो। तो गाइस बस यही है, उनको देख के मुझे याद आ गया यार, ये क्या चैन की नींद है। अभी इधर क्या है, टेंशन रहता है, इधर अगले महीने EMI नहीं कटा, उधर फोन आए मेरा पैसा नहीं मिला, तो यहाँ है तो राशन नहीं लाना है, तो रूम का भाड़ा भरना है, तो ऐसे गाड़ी देके चला जाता है। अभी तो इतना टेंशन हो गया मुझे, मेरे 2 महीने का EMI भी नहीं भरा हुआ है, और यही लग रहा है कि कब खींच के ले जाएंगे लोग मेरी भाई। तो यही देख के गाइस मैं सोचा कि आपको बताऊं, देख सकते हैं एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा चैन की नींद। देखिए मैं 1.5 घंटे से देख रहा हूँ ये लोग सोए हैं, कोई टेंशन नहीं, ये देख सकते हैं। जगाने भी कोशिश किया मैंने लेकिन नहीं। तो गाइस यही बात है हमारी भी जिंदगी का ऐसी। तो गाइस इस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहोगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो देख के भाई बहुत ही सुकून मिला इन लोगों को, क्योंकि इनको जो सुकून है, काश हम लोगों को भी ऐसा सुकून मिलता। तो गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि मेरे शॉप के सामने ही लोग रहते हैं, और इनको तो मैं डेली आप देखे होंगे ब्लॉग में, मैं जलेबियाँ खिलाता रहता हूँ। तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, ये मेरा छोटा स्मॉल ब्लॉग था। जय हिंद, बाय बाय।